Good morning. Good morning, ma'am. Good morning. How are you? Good morning. Good morning, ma'am. Good morning, beta. Good morning, ma'am. Good morning, beta. Good morning, ma'am. What took you so long? Himangi, how are you? Yes, ma'am. How are you? Mayu TV tumhara? Chilati ho? क्या मैं खिलाती हूँ भैया को कि नहीं? खिलाती हो? आयुष, हैव यू डन योर होमवर्क? होमवर्क किया है मांगी तुमने? यस मैम। ओके बेटा, लेट्स स्टार्ट। वी आर कंटिन्यूइंग द पैटर्न। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट नंबर पैटर्न। ठीक है, आज हम नंबर पैटर्न के बारे में बात करेंगे। उसके पहले बट बिफोर दैट वी विल डिस्कस अबाउट सम पिक्चर्स, है ना। देखिए, जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख के बताइएगा मुझे, ये है। फिर इसके बाद कैसे जाएगा बताइए आप। फिर आपका हो जाएगा, फिर ये ऐसे हो जाएगा। आप बताइए बेटा, जो नेक्स्ट है यहाँ पे वो कैसा होगा? इसे नोटबुक में भी करना है मैम? नहीं, अभी करना नहीं, अभी ध्यान से देखिए। आप लोग बताइए मुझे मैम, नीचे वाले होगा? नहीं, अब यहाँ पर आप किधर, किस साइड पे होगी ऐसे बताइए, किधर होगा? इस साइड है, इधर ऐसे, किस कॉर्नर पे होगा? वन किस कॉर्नर पे होगा बताइए मुझे मैम। यस, वेरी गुड। क्योंकि देखिए ये टेबल कौन सा रहा है? जब मैं कुछ डिस्कस कर रहा, आप सारे बच्चे म्यूट हो जाइए, तभी आप लोग मानेंगे। बीच में डिस्कस करते हैं तो बहुत डिस्टर्ब होता है। अब देखिए, और अब लुक एट द बोर्ड। सारे बच्चे देखिए, देखिए यहाँ पे एरो का साइन है। एरो का हम पैटर्न लेकर चल रहे हैं, तो इसमें आपका कैसे है, पहले आपने इस डायरेक्शन पे था, ठीक है, सबसे फोर कॉर्नर पे घूम रहा है, ठीक है। इस डायरेक्शन पे था, फिर सेकेंड में इस डायरेक्शन पे आ गया, थर्ड पे, फर्स्ट सेकेंड फिफ्थ, है ना, फिर थर्ड पे यहाँ पर आ गया, फिर फोर्थ पे, फिर वो घूमकर ऊपर चला गया, है ना, ऐसे 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 ऐसे, है ना। तो ये देखिए लास्ट में यहाँ पर आ गया। तो आप पता ही आपको कि अगर वो लास्ट में यहाँ पर आ चुका है तो ये देन, है ना, फिर नेक्स्ट वैसे ऐसे ड्रॉ होगा और फिर उसके फिर ऐसे होगा, फिर वही पैटर्न आपका आ जाएगा, फिर ऐसे होगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट फिगर आपका, नेक्स्ट फिगर है जैसे कि ये देखते हैं, ये लिया, फिर नेक्स्ट में आपका हो जाएगा, फिर ऐसे आ जाएगा। तो ये
पैटर्न आपका, जैसे टू पैटर्न को आपने देख लिए तो उसी के अकॉर्डिंग आगे हम करते जाएंगे, ठीक है आराध्या? समझ में आया? है ना? तो ये आपके नंबर के मतलब पिक्चर के अकॉर्डिंग है। अब हम नंबर पैटर्न करेंगे। देखिए ऑल ऑफ यू लुक एट द बोर्ड। अब नंबर पैटर्न में देखते हैं। नंबर पैटर्न पे सपोज आपके पास है, ये भी एक पैटर्न ही है, वन के बाद टू, टू के बाद थ्री, थ्री के बाद फोर, फोर के बाद फाइव, ये भी एक पैटर्न ही समझ के चलिए। अब आप मुझसे कह सकते हैं कि मैम वन के बाद, मैं कह सकती हूँ वन के बाद थ्री भी आ सकता था, फाइव भी आ सकता था, ये भी पैटर्न है और ये भी पैटर्न है। तो हम कैसे करेंगे कि आगे हमारा पैटर्न अगर आपको दे दिया जाए कि सिक्स के बाद क्या आएगा, जब ये काउंटिंग है तो आप जान जाइए आप सेवन कर देंगे, एट कर देंगे, ठीक है ना? अब यहाँ पर आप कैसे जान पाएंगे वन है, थ्री है, फाइव है, फिर आगे कैसे? तो आपको क्या करना है, देखिए ध्यान से, जो सेकंड नंबर का नंबर होता है, डिजिट होती है, उसको फर्स्ट नंबर पे जो डिजिट होती है उसको उससे माइनस कर देंगे। ध्यान से देखिएगा, टू माइनस वन वन आ जाएगा, ठीक है? ठीक है, आराध्या समझ में आ रहा है ना? टू माइनस ये वाले पे हमने अभी डिजिट कर दिया, टू माइनस वन किया, मत जाइएगा कि जितने भी डिजिट्स हैं नंबर से उनके बीच में वन वन का डिफरेंस है, ठीक है ना? उनमें वन वन का डिफरेंस कर लीजिए, चाहे वन वन एडिशन कर लीजिए, है ना? तो जैसे टू वन प्लस वन किया तो टू आया, टू प्लस वन किया थ्री आया, थ्री प्लस वन किया फोर आया, फोर। ये यहाँ पर पैटर्न चल रहा है, ये दिमाग लगाइएगा, आपकी काउंटिंग नहीं चल रही है, ठीक है बेटा? फिर यहाँ पर फोर प्लस वन किया फाइव, फाइव प्लस वन किया सिक्स, सिक्स प्लस वन किया सेवन, ऐसे चलता जाए। हमको कैसे पैटर्न जानेंगे? तो जो मैंने मेथड बताया है, तो सेकंड नंबर से फर्स्ट नंबर को आपको माइनस कर देना, सेकंड नंबर से फर्स्ट नंबर को पहले आप माइनस कर देंगे, जैसे तो थ्री माइनस वन टू आएगा, तो यानी कि आप समझ जाइए कि सब में टू टू ऐड करना है, प्लस टू करके जानना है। तो जब आप फाइव में प्लस टू करेंगे तो आपको आ जाएगा सेवन, सिक्स सेवन, सेवन में प्लस टू करेंगे नाइन, नाइन आ जाएगा, नाइन में प्लस टू करेंगे तो आपको आ जाएगा इलेवन, आते जाएगा। समझ में आया बेटा? इतना समझ में आ रहा है? हाँ, अब देखिए, अब आप लोग अपनी अपनी बुक पे देखिए, बुक पे मैं बताती हूँ। अब आप लोग बोल सकते हैं, मैं कौन सा पेज नंबर, पेज नंबर बता रही हूँ, देखिए दिख रहा है आपको? यस मैम, यस मैम, यस मैम, यस मैम। हाँ, तो ये पेज है बेटा आपको, क्यों नहीं मिल रहा? मैम 35, मैम 35 है इसे। हाँ चलिए, यहाँ पर है बेटा ये पेज नंबर 35। यहाँ पर है नंबर पैटर्न। लेट अस लुक एट सम पैटर्न विद नंबर, फिल द नंबर इन द ब्लैंक स्पेस ऑफ ईच पैटर्न, है ना? तो आपने अभी मैंने एक एग्जांपल आपको दिया था, इससे पहले फर्स्ट है, फिर यहाँ पे थ्री है, तो इनके बीच में कितना ऐड किया है, कितने नंबर डिजिट ऐड किए हैं, नंबर ऐड किया है, तो थ्री आया, बताइए। वन वन प्लस वन, वन प्लस वन करेंगे तो टू आना चाहिए ना यहाँ पर, यहाँ कितना आएगा? टू टू। हाँ, वन प्लस टू किया तो थ्री आया, थ्री प्लस टू किया
किया तो फाइव आया, फाइव प्लस टू किया तो सेवन आया, आप क्या आएगा बताइए नेक्स्ट में यहाँ पर। नाइन आएगा है ना, क्या आएगा नाइन आएगा ठीक है। हाँ आप देखिए यहाँ पर बताइए, ट्वेंटी थर्टी फोर्टी फिफ्टी सिक्सटी सेवेंटी, यहाँ पर क्या आएगा एट्टी, और यहाँ पर एट्टी नाइनटी। लेकिन आपको कैसे पता कि यहाँ पर एट्टी आएगा, कैसे आपको पता, मैंने क्या मेथड बताया बताइए। हाँ थर्टी माइनस ट्वेंटी कर देंगे तो आपको टेन का डिफरेंस पता चलेगा, टेन टेन आपको है करते चलना है ठीक है ना, जो भी नेक्स्ट नंबर होगा। अब है आपका यहाँ पर है, चलिए जैसे ये ट्वेंटी फोर है, फिर उसके बाद आ गए ट्वेंटी सेवन, इनमें डिफरेंस निकालो कितना आता है बताइए मुझे, निकाल के बताओ। थ्री का डिफरेंस, हाँ वेरी गुड। तो फिर यहाँ पे थर्टी सिक्स है जब, तो थर्टी सिक्स यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पर कितना आएगा थर्टी नाइन, वेरी गुड भाई। आपको पता चल गया है कि थ्री का डिफरेंस है, तो आपको तुरंत पता चल जाना चाहिए कि थर्टी सिक्स में हमें थ्री ऐड करना है, तो तुरंत अगर आप आके थर्टी सेवन थर्टी एट थर्टी नाइन ठीक है। संगम समझ में आया बेटा? यस मैम। हाँ फिर है आपका है नेक्स्ट में है फाइव टेन फिफ्टीन ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव थर्टी, फिर यहाँ पे क्या आएगा थर्टी फाइव। इसको फिल करते चलिए, सी डब्ल्यू डेट डालकर इसको करते चलिए आप लोग अपनी बुक पे। मैम हम कर लिए थे। हाँ ठीक है अच्छी बात है। मैम हम भी फिर आपका फोर्टी, फिर यहाँ पर क्या आएगा फोर्टी फाइव, यहाँ पर फिफ्टी, फिफ्टी के बाद फिफ्टी फाइव ठीक है। अब हम नेक्स्ट पे देखते हैं, देखिए टी टू फ्रॉग जंप्स ओवर टू नंबर्स एंड रीचेस द थर्ड नंबर, वेयर विल टी टू गो नेक्स्ट, मेक अ रिंग ऑन द अदर नंबर्स। आप लोगों को टी टू जो फ्रॉग है तो इसने पहले किससे शुरू किया, वन के पहले से भी, थ्री थ्री के बाद सिक्स, अब कितने में आएगा वो नाइन। आप लोग ड्रॉ करते चलिएगा, ड्रॉ करते चलिए आप लोग यहाँ पर, यहाँ इसका पेन नहीं थोड़ा काम कर रहा बेटा ये, नहीं तो मैं भी आपको कर जैसे उसमें बता रहा वैसे। हाँ थ्री के बाद सिक्स के बाद किस पे आएगा नाइन, नाइन पे, नाइन के बाद ट्वेल्व, ट्वेल्व के बाद फिफ्टीन, फिफ्टीन के बाद एटीन, एटीन के बाद ट्वेंटी वन, ट्वेंटी वन, ट्वेंटी वन के बाद ट्वेंटी फोर है ना, ट्वेंटी फोर बस, अब इसके बाद तभी यहाँ पर है नहीं, तो ट्वेंटी फोर तक आपका ऐसे 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 रिंग बनेगी ठीक है। आयुष ने किया, दर्शिता ने किया, यस मैम, ओके चलिए अब नेक्स्ट में देखते हैं हम। टी टू जंप एंड गेट्स ऑन एवरी टेंथ स्टोन, राइट द नंबर्स ऑन द स्टोन। आप लोगों को देखिए इसमें बताया गया है कि प्लस टेन करके आपको करना है, तो यहाँ पर कितना रहा होगा, तो ट्वेंटी एट आया आपको, एटीन वेरी गुड, फिल ईयर एटीन, टेन 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 प्लस हो रहा है एटीन। और फिर ऐसे यहाँ पर बताइए कितना रहेगा, नाइन फोर्टी एट, फोर्टी एट, फोर्टी एट के बाद यहाँ पर फिफ्टी एट, फिफ्टी एट, फिर यहाँ पर सिक्सटी एट, फिर यहाँ पर सेवेंटी एट, हाँ सेवेंटी एट, ये आप बन गया। हाँ अब देखिए यहाँ पर है आपका रीड एंड राइट व्हाट कम्स नेक्स्ट, ठीक है ना, ये तो मुझे लगता है ये एज ए होमवर्क राइट, ये एच डब्ल्यू एंड ए,
हाँ अब यहाँ पे क्या आएगा ए ए बी बी सी सी यहाँ पे क्या आएगा हाँ फिर यहाँ हाँ फिर सेकेंड वाले में ए बी सी डी ई एफ जी एच डी एच आई जे के एल हाँ और इसका तो समझ में आ रहा होगा डे नाइट इसमें भी है वन टू ये बन जाएगा ये बन जाएगा फिर ये बन जाएगा फिर यहाँ पे बन जाएगा ये वाला बन जाएगा ना फाइव से टू को आप माइनस कर दीजिएगा फिर जितना डिफरेंस आएगा उसका प्लस कर करके आप एट में करते जाइएगा बन जाएगा आप लोगों से बन जाएगा बड़े धीरे से यस मैम बोल रहे हैं नहीं समझ में आ रहा क्या बेटा बन जाएगा कि नहीं हाँ बोलो यहाँ पर देखिए इनमें डिफरेंस आप लोग निकाल करके दो नंबर पे यहाँ पर हाँ इसपे फाइव का है इसपे इसपे थ्री का इसपे टू का फाइव पी सिक्स क्यू सेवन आर यहाँ पे क्या आएगा एट एस है ना फिर नाइन नाइनटी है ना फिर टेन यू यू है ना ऐसा बनेगा फिर अब देखिए यहाँ पर बेटा भी प्लस करना था तो क्या करना है अब देखिए ध्यान से देखिए यहाँ पे पहले आपका डिजिट वो है इसमें माइनस कितना है इसमें आपको क्या करना है 85 से 70 अब एक चीज और ध्यान देगी दीजिएगा और लोग फिर लुक कर रहा बोर्ड बोर्ड पे देखिए यहाँ पर क्या कहते थे कर देते थे ठीक है ना लेकिन क्यों माइनस आप म्यूट करना पड़ेगा तभी आप लोग मानेंगे ध्यान से यहाँ पर आपने ये जो आप लोगों ने दो नंबर के बीच से डिफरेंस निकाल लिया सेकंड नंबर से फर्स्ट नंबर को आपने माइनस कर दिया तो आपको डिफरेंस पता चल गया कि हर नंबर के बीच में कितना डिफरेंस है उतना प्लस करके आपने बना लीजिए बट अगर आपके पास ऐसा क्वेश्चन आएगा आपके पास 20, 15, 6 बिगेस्ट नंबर है ना बड़ा नंबर है आपके पास पहला नंबर तो आपको क्या करना है उस पहले वाले से सेकंड वाले को माइनस कर देना है 20 माइनस 15 तो आपका इसमें आ जाएगा 5 का डिफरेंस आ जाएगा ठीक है ना आपका आंसर आ जाएगा 5 इतनी चीज समझ में आई ठीक है अब आप लोग बोल सकते हैं अभी नहीं हो रहा है हुआ हाँ फिर इसके बाद है आपका है यहाँ पे देखिए केतु हैज मेड सम पैटर्न्स बाय कलेक्टिंग लीव्स है ना कलेक्टिंग लीव्स है इसमें इसने क्या किया है लीव्स को कलेक्ट करके ऐसा पैटर्न है नाउ यू ऑल्सो कलेक्ट सम लीव्स एंड अरेंज देम इन डिफरेंट पैटर्न्स ऑल्सो ड्रॉ पैटर्न्स यूजिंग मैचिंग स्टिक्स ये वाला वर्क आप लोगों को होमवर्क पे एज ए होमवर्क इन योर डू इट इन योर नोटबुक नोटबुक पे करना है आपको इसे बुक पे मत करिएगा ठीक है हाँ ये पैटर्न आपको लीफ लेकर के आपके घर के आसपास घर के आसपास छोटे छोटे पेड़ लगे जिसमें स्मॉल स्मॉल लीफ हो उनका कोई पैटर्न बनाइएगा और एक दूसरा पैटर्न आपको बनाना है मैचिंग स्टिक से मैचिंग स्टिक यानी कि माचिस की तीली से ठीक है ये तो इंद्र ठीक है हाँ उससे बनाना आपको क्या
आपको पैटर्न है ना कैसे बनाना है ये आप अपने अकॉर्डिंग बनाइएगा पैटर्न। हिमांगी आ जाएगा बन जाएगा? यस मैम। है ना अपनी नोटबुक पे करना ये एक एक तरफ आपको लीफ वाला करना है और एक तरफ आपको मैजिस्टिक वाला करना है ठीक है मैम। हाँ हाँ बोलो बेटा। 35 वाले तीन नंबर कर सकते हैं? हाँ 35 नंबर कर सकते हैं। क्या पेज नंबर? 35 पेज नंबर। 35 पेज नंबर। हाँ ये तो एज ए सी डब्ल्यू है ना ये आपको अपनी नोटबुक पे ही करना है। जिनके पास बुक नहीं है वो अपनी नोटबुक पे करेंगे ठीक है ना। हाँ आगे ध्यान से एक चीज और मैं आप लोगों को बता रही हूँ। एक एक्टिविटी है आप लोगों के लिए सारे बच्चों के लिए। आप लोगों के पास सभी के पास वाटर कलर है? यस मैम। वाटर कलर है ना? हाँ वाटर कलर में आपको क्या करना है देखिए मैं आपको बता रही हूँ। एक चाहे आप अलग से एक एक्टिविटी है देखिए क्या करिएगा। बेटा मम्मी पापा की हेल्प ले लीजिएगा इसमें। कार्डबोर्ड मीन्स जो पत्ता होता है जानते हैं ना सारे बच्चे जो आपका ऑनलाइन ऑनलाइन सामान जिसमें भर कर आता है। बोलिए बुक में कौन सा पेज नंबर? 38 पेज नंबर का जो मैंने बताया वही तो बता रही हूँ। नोटबुक पे करना है पैटर्न आपको बनाना है जो ये सेकंड वाला क्वेश्चन है। अरे ऊपर तो फिर वो बताया है किसने ऐसे बनाया है ठीक है। अब देखिए एक होमवर्क एक एक्टिविटी है ये मैं आपको नेक्स्ट वीक पे सैटरडे को देखूंगी। ये देख लीजिए बता रही हूँ कैसे करना है आपको। जो कार्डबोर्ड होता है ना कार्डबोर्ड जानते हैं ना गत्ता जिसे कहते हैं जानते सारे बच्चे जितना ऑनलाइन सामान आता है उसका एक पार्ट ले लेना थोड़ा सा इतना बड़ा सा अपने हिसाब से 15 सेंटीमीटर जो आपकी स्केल होती है ना उसको आप लोग कर लीजिएगा उतना बड़ा आप लोगों के लिए सफिशियंट। फिर आपको क्या करना है उस पर एक ब्लैंक व्हाइट पेपर है ना पेस्ट कर दीजिएगा ठीक है। समझ में आ रहा है इतना? फिर आपको क्या करना है जो आपके वाटर कलर है वाटर कलर से आप लोगों को अपने थम पेंटिंग के थम के हिसाब से आपको उसके चारों तरफ क्या बनाना है ऐसे कोई भी 2 या 3 सेम कलर ले लीजिएगा उन्हीं उन्हीं को पैटर्न बनाइएगा। ऐसे बनाया फिर ऐसा कर दिया फिर ऐसे अपने थम या कोई फ्लावर भी बना सकते हैं आप लोग थम से बना करके ऐसे पूरे इधर ऐसे ऐसे बनाना है आपको। इसके बाद क्या करना है ध्यान से देखिए आप सुनिए मेरी बात को फिर सुनेंगे नहीं तो फिर समझ में नहीं आएगा। फिर उसके बाद जब आपका चारों तरफ आपका पैटर्न बन जाएगा बीच का पोर्शन खाली रखना है इसके यहाँ बॉर्डर पे करना है बॉर्डर बॉर्डर पे यहाँ यहाँ ऐसे ठीक है है ना। आपने थम थम से पैटर्न बना रहा है समझ में आ रहा है हिमांगी? यस मैम। हाँ हिमांगी को हमारे कम समझ में आता है ना हिमांगी। हाँ तो वो आपको बनाना फिर आपके पास अगर कोई आपके पास फैमिली फोटो हो कोई भी या आपकी फोटो हो या किसी भगवान की भी फोटो आपके पास अच्छी सी हो आप उसको उसके साइज का कट करके बीच का जो पोर्शन ब्लैंक रहेगा वहां पेस्ट कर दीजिएगा ठीक है। या आपकी फोटो आपके बचपन की फोटो मम्मी पापा से पूछ करके आप लोग वहाँ पेस्ट कर दीजिएगा और उसको कहीं भी आप अपने घर पे डेकोरेट एज ए डेकोरेशन के तौर पे आप लोग उसे सजा के रख सकते हैं। आएगा मजा इस एक्टिविटी पे? यस मैम। अरे बताइए किसी को इसमें कोई दिक्कत है? नो मैम। क्योंकि वाटर कलर सभी के पास होंगे। हाँ बोलो कोई भी कलर ऐसे चूज करिएगा कि जो कलर सेम सेम जैसे पैटर्न एक हमको बनाना जैसे रेड ग्रीन कर दिया
कभी आपने कर दिया रेड कर दिया, ऑरेंज कर दिया, येलो कर दिया, फिर रेड कर दिया, ऑरेंज कर दिया, येलो कर दिया। फ्लावर भी बना सकते हैं, लीफ भी बना सकते हैं, ये कोई और भी पैटर्न बना सकते हैं आप। मैम हाँ बोलिए। नहीं दिख रही बेटा, मैं आप सभी को दिख रही हूँ बेटा मैं। yes, मैं ना तो वर्णिका फिर आपकी एंड से प्रॉब्लम है बेटा। जब मैं शेयर करूंगी, वीडियो शेयर करूंगी, तब आप देख लीजिएगा मेरी बात को समझने को। अब ये बताइए इस एक्टिविटी में किसी को कोई दिक्कत है? नो मैम, नो मैम। और इसमें आपको हेल्प लेनी अपनी मम्मी पापा की, ठीक है ना? बिना उनके परमिशन के आप लोग काम नहीं करेंगे, ठीक है? और मैं सैटरडे को ये चेक करूंगी, आपकी नोटबुक चेक करना है, बुक देखना है मुझे, और आपका ये एक्टिविटी भी देखना है। ये तीनों काम करके आपको रखना है। और एक चीज ध्यान दीजिएगा आप लोग कि अपनी नोटबुक तैयार करते चलिएगा, नोटबुक और बुक, ठीक है ना? हाँ वो कभी भी आप लोगों से मांगा जा सकता है, ठीक है? हाँ इसलिए बोल रही हूँ, जो एक्टिविटी है वो मैं शो आप लोग सैटरडे को मुझे दिखाएंगे। ओके मैम। हाँ बेटा बोलो। 38 वाला जो पेज नंबर है उसे नोटबुक पे करना, इसलिए मैं नोटबुक पे कह रही हूँ, क्योंकि आप जब इसमें पेस्ट करोगे जगह भी कम है तो वो सही नहीं बनेगा। तो आप इसको नोटबुक पे करो, प्रॉपर अच्छी जगह रहेगी तो ज्यादा अच्छे से बन जाएगा। लीफ लेकर के स्मॉल स्मॉल लीफ ले लीजिएगा, बड़ी बड़ी मत लीजिएगा, स्मॉल स्मॉल छोटी वाली लीजिएगा, और उससे खूबसूरत से कोई से भी पैटर्न बनाइएगा। वो एक वन पेज मिरर, एक वन पेज में मैच स्टिक का, और एक आप फ्रेम बनाइएगा, फोटो फ्रेम, ठीक है? ओके बेटा आज के लिए इतना ही, ठीक है? ओके बाय 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 मैम बाय।